मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपने दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। फाइनली हम डोगर गली पहुंच गए हैं। बड़ा मजे का रास्ता था, बड़ा खतरनाक था, लेकिन मजे का एक्साइटेड था। और अब हम जाने लगे हैं मुशपुरी टॉप पे। यहाँ से स्टार्ट होता है मुशपुरी ट्रैक जो है, और बड़ा एक्साइटिंग ट्रैक है। और तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र होता है। आप लोग अपने साथ वाटर बोतल, अपने साथ खजूर या चने, इस तरह के एडिबल्स अपने साथ रख लिया करें जब भी जाए। अभी मैं अभी चेंज करूँगा, उसके बाद फिर मुशपुरी ट्रैक की तरफ जाएंगे। अभी जस्ट हम पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे पूरा व्लॉग। जी यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। ये जो मुशपुरी ट्रैक है, तकरीबन 4 किलोमीटर का ये ना हमवार चढ़ाई उतराई पर मुश्तमिल ये सारा सफ़र है, और बड़ा ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है। और आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जाने में लग जाता है। जी आज हमारा सामना चीता से भी हो सकता है, और यहाँ पे वाकई कुछ पिछले दिनों भी चीता नजर आया है। तो आप लोग भी सारे शेर जा रहे हैं चीते का सामना करने, शेर बन के जंगली जानवरों का भी सामना हो सकता है। तो यूज करें यहाँ पे, ये जान के रखते हैं ताकि ये देखे जी स्ट्रीप किस तरह की है। हाउस करने अल्लाह अल्लाह बेटा, इन दरख्तों के ऊपर चढ़ के जम मार के अब थोड़ी सी सिचुएशन रहती है राज, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, हेल्प कर दे। सांस फूले हुए हैं, हम भाग कर ऊपर चढ़े हैं, काफी ज्यादा बुलंदी पर आ चुके हैं। ऊपर सूरज के करीब होते जा रहे हैं और सूरज हमसे दूर होता जा रहा है। बच्चे एक्साइटेड हैं सर जी, हम सूरज के करीब होते जा रहे हैं, सूरज हमसे दूर होता जा रहा है। ये सांस का नहीं, सांस का मौका दिया जाए, सांस का मौका तो हमें चाहिए अभी। तकाजा ये है कि रुकना पड़ गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं कितनी देर का और सफर है। प्रैक्टिस स्लोली स्लोली, वेल आई थिंक यू आर अ बिट अंडरस्टैंड, स्टे देयर एंड देन टेक अ नेक्स्ट स्टेप। Yeah, good. If your shoes are slippery, you should take care. There is some snow. Yeah, not snow, not snow. It's not like snow, नहीं है. अच्छा. Track में snow ऊपर जाके top पे आती है. अच्छा. तो slippery मतलब पत्थर है. पत्थर है. पत्थर है. कुछ नहीं देखा. आपको चीता भी लग रहा है. अच्छा. ये इधर इसमें sports नहीं है, ऐसे दिखाता है. चले जी, इन्होंने हमें suggestions दिए हैं. हमें इनका take courses. You have just 2 hours left. 6 बजे अंधेरा हो जाएगा, 5:30 बजे. वापस आना ज्यादा आसान है। हाँ, लाइक 30 मिनट्स तो जाते हुए मुश्किल है, और अगर टॉप पे नहीं गए तो मजा नहीं आएगा। अच्छा चले जी, और वो पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। We had a college trip. ये डाउन द ट्रैक आ रहे हैं हम लोग, दो टीम ओपन कर रही है। ये ऊपर का टॉप जबरदस्त, ऑसम। तो बहुत सारे लोगों से पूछा हमने
ये मुश्किल टॉप, लेकिन टॉप पे पहुंच के बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, जिससे हमारा जोश बढ़ गया है कि हमने इंशाल्लाह ज़रूर जाना है और पूरी कोशिश करनी है। बच्चों की हालत देखें क्या हो रही है, तो इंशाल्लाह लेट्स सी। लेकिन जाने का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। होपफुली यहाँ से सिर्फ 30 मिनट का बाकी होगा सफर, होपफुली आप हमें अच्छी न्यूज़ देने वाले हैं। अगर अच्छा ट्रैक कर सकते हैं, हाइकिंग अच्छी कर सकते हैं 30 मिनट में, अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फिर 40 से 45 मिनट अगर ब्रेक कम लगाते हैं तो आप अच्छा जल्दी कवर कर सकते हैं। हाइकिंग करें, दो दो मिनट के बाद आप लोग सांस ले रहे हैं, सारे नौजवान बंदे हैं, जवान दिल की धड़कन रुक जाएगी। हाइकिंग ऑन, हाइकिंग के ING हाइकिंग कर ले। जो मर्द है सर जी, जो अपने आप को मर्द, अगर हम स्लो पांव उठाएं तो शायद उससे कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन यकीन करें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिल की धड़कन रुकने पे आ जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हैं। डॉक्टर रमीश कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यार किधर जा रहे हैं? नीड सम मेडिसिन, डॉक्टर साहब को कुछ अद्वियात की अशद जरूरत है। डॉक्टर साहब को सांस बार बार फूल रहा है, लगता है डॉक्टर साहब, लेकिन वो हम अद्वियात तो गाड़ी में रख के आए हैं। ट्रैक उल्टे हाथ का काम था वो सारा। हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, आपको एक मजे की बात बताते चलो, आप मेरा दिल कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट करो। पर जाने का 1200 रुपया लेता है, 500 रुपया, 1200 और अगर हमें ले जाएगा फिर कितना लेगा? आपको ही, आपके लिए तो आया है। 1200 रुपये किलो बादाम खा लो, 3-4 चक्कर लगा लूंगा इसको थोड़ा साइड में। कितने चक्कर लगा लेते हो दिन में? दिन में 2-3 चक्कर यार, हम यानी कि 3-4 हज़ार भी बना लेते हो। डेढ़ माह सिर्फ महीना कमा रहे हो? नहीं यार, लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, ये 1.5 लाख यार घोड़ा कितने का मिलता है? ये कह रहा हूँ यार, डर नहीं लगता आपको? सर घोड़ा डर नहीं लगता आपको? जान मेरे से भरोसा नहीं है। अल्लाह अकबर, शुक्र है हम घोड़ा पर नहीं बैठा। दोबारा करना जरा, ये देखेंगे। ए किरण, अंजलि किधर हो? अजी, अजी, अरे वो आपको अजी बुलाएगी, अजी सुनते हो? सारी उम्र हम मर मर के जी उठे, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। मुझे मस्त माहौल में जीने दो, give me another chance, I wanna go up once again, na 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 na। गाने में खुले हुए सांस की आवाज आना शुरू हो जाए जब, तो गाना बंद करना चाहिए, वरना बंदा बुरे तरीके से एक्सपोज। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बाम उरूज पे चढ़ते जाओ, बीबी देखे। इस व्लॉग में ये अबू बकर का ये कैप्चर करना है, इसको हम मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। अबू बकर की जो ये डिवोशन है, शील्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, ये वाकई एप्रिसिएशन किया जाए। चलते जाए, चलते जाए। चले जी, पीछे लड़के पीछे रह गए, जब दिल के धड़कन रुकने लगे तब तक रुक सकते हैं। इसका राज क्या? नहीं जरा थोड़ा सा चलें, कोई नहीं। अच्छा आप बताएं क्या खाते हैं? कवर नहीं होगा कुछ भी नहीं, उनसे कोई इंटरव्यू लेते हैं।
यार सर जो टूरिस्ट हमारे साथ टूर करवा रहे हैं इनका तो इंटरव्यू ले लें इनका टॉप पर जाके लेंगे सर अभी लेते हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटी आप मुझे अपनी ऐसा रेट बता नहीं पाएंगे फिर शायद आप लोग यार आगे बनाना डॉक्टर साहब ना बताएं जाहिर हो रही है बताएं या ना बताएं जाहिर हो रही है अब उम्र की करीब 70 इयर्स की 70 इयर्स ओल्ड मैं गया था चलते हुए नहीं नहीं रुकते हुए चले कर ले भाई अब लोग अरे मेडिसिन भी चलता हूँ उसकी स्टीप थोड़ी इस तरह से सर ये देखे तैयार हो रही है मेडिसिन उस्मान भाई की और हनान भाई की पॉड है ये फ्लेवर है वेप जो है हाँ वेप टाइप का सर आई हैव अ क्वेश्चन यस 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 सर अब हम मरी में आए हुए हैं हम इतनी मुश्किल हाइकिंग चढ़ रहे हैं तो अब ये देखिए हम मुसलमान भी हम हज उमरा भी करना चाहते हैं जाते हैं हम सफा मरवा पे दौड़ भी लगाते हैं तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि मैंने इससे पहले जो बहुत ही हैवी किस्म की हाइकिंग की है वो मैंने गारे हीरा की थी उसकी स्ट्रीप थोड़ी सी ज़्यादा थी और हाइट भी ज़्यादा थी 4 घंटे लगे थे लेकिन वहाँ पर ज़्यादा टफ था क्योंकि गर्मी होती थी और साथ के साथ जो है ना खुश्क पहाड़ होते थे यहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी थोड़ा फ्रेश मिल रही है मौसम भी अच्छा है तो थोड़ा ये एज हो जाता है लेकिन वो भी टफ था ये हाइकिंग भी टफ है उमरा खास इजी है वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं चलना पड़ता सफ़र मरवा में वो थोड़ा सा है लेकिन ये टफ है लेकिन एडवेंचर है आप लोग अगर इसको इंजॉय नहीं करोगे ना तो आप लोग थकोगे तो इस तरह के एडवेंचर्स लाइफ में होने चाहिए ये एज है एक एज आएगी जब आप खांस रहे होंगे सिर्फ तो उस वक्त आप ये एडवेंचर देखना भी पसंद नहीं करेंगे सर 3 घंटे की मूवी बनाते हुए बड़ी मजे की स्नो है और नीचे भी स्नो पड़ी है सारी देख सकते हैं और ये मेरे दोस्त थक गए हैं मैं इन्हें मोटिवेट कर रहा हूँ नहीं देखो आप लोग सारे जो है ना कमा रहे हो शादी शुदा भी नहीं हो आप लोगों को चाहिए कि एक टांग पे यूं यूं चढ़ते हुए जाना चाहिए बहाना मिल रहा है रुकने का एक बहाना मिल रहा है और ना सुन के बड़े भाई कुछ इनाम करते अल्लाह आपको खूबसूरत से बीवी दे एक है बड़ी एक और दे चले जी ये दुआ सुन ले क्या दुआ दी है अल्लाह आपको खूबसूरत से बीवी दे आपका नाम क्या है डॉक्टर रमीज राजा डॉक्टर रमीज राजा आपको अल्लाह खूबसूरत से बीवी दे एक जो पहले वाली है वो आपको बदबुआएं दे